आज हम आपको ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानते हैं चोरों ने ऐसा क्या किया जिससे ये पूरा मामला अब सुर्खियों में बना हुआ है। भारत देश में आमतौर पर किसी नए बिजनेस की शुरुआत या नई चीज को खरीदने से पहले उसकी पूजा अर्चना की जाती है। आपके स्क्रीन पर दिख रहे ये पान के पत्ते और पीला धागा और नींबू भी इन्हीं संस्कारों की गवाही दे रहा है। लेकिन अब जो आपको हम कहानी बताने जा रहे हैं वो कुछ अलग है। दरअसल हैरान कर देने वाली खबर केरल के कोल्लम जिले से सामने आई है, जहां चोरों ने पठानपुरम बैंकर्स नाम के एक प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की इस वारदात में चोर करीब 4 लाख का सोना और 30 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गए। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम केरल की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल इस पूरी घटना का कनेक्शन पूजा अर्चना से भी है। लूट की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई, पुलिस भी मौके पर कई चीजों को देखकर दंग रह गई। मौका वारदात पर पुलिस को एक पोस्टर मिला जिस पर लिखा था, मैं खतरनाक हूँ, मेरे पीछे मत आना। इसके साथ ही शातिर चोरों ने पुलिस के डॉग स्क्वाड को भी गुमराह करने की पूरी प्लानिंग बना ली थी, और इसलिए उन्होंने वारदात के दौरान चारों तरफ इंसानों के बाल बिखेर दिए थे। इन सब के अलावा आप इन चोरों की मुरीद ये जानकर हो जाएंगे कि उन्होंने चोरी को निष्ठा के साथ पेशा बना लिया है। जी हाँ, पुलिस को मौका है वारदात से पूजा की सामग्री भी मिली, जैसे पान की पत्तियां, एक भाला और लोक देवता की तस्वीर, जो साफ कर रही थी कि चोरी से पहले चोरों ने वहां पूजा की थी। बहरहाल ये पूरा वाक्या चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।